इंट्रोडक्शन बताया था, आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर पीथियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पीथियम किस प्रकार की अपनी कवक होती है, तो इसके सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशंस आपको बताएंगे किस प्रकार के किस कैटेगरीज में इसको रखा गया है। तो इसका सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकॉर्टिना होता है, क्लास ओमाइसिटीज में रखा गया है, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेस रखा गया है, फैमिली पीथिएसी रखा गया है और जीनस पीथियम। ठीक, तो इसकी कई अनेकों जातियां, इसकी हम कहा जाता है कि 66 जातियां इसकी पाई गई हैं, जिसमें से इसकी 19 जातियां भारत में इंडिया में देखी गई हैं। ठीक, साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये किस रूप से पाया जाता है, ये मैंने इसकी कोइनोसेटिक माइसीनियम की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये इस प्रकार के इसकी स्ट्रक्चर को देखा गया है। तो ये क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ताजे पानी के जल में भी देखा गया है, लेकिन इसकी अधिकतर जाति मृदु जीवी के रूप में भी भूमि में सॉयल में मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो जो हम पीथियम पढ़ रहे हैं, ये कहा जाता है कि जो पीथियम होता है इसकी अधिकतर जातियां कैसी होती है, गण की, इस गण इस ऑर्डर की जो अधिकतर जातियां होती हैं ये कैसी होती हैं, ये पूर्ण रूप से परजीवी होती हैं, लेकिन जो ये पीथियम होता है ये अल्प परजीवी के रूप में पाया जाता है, तथा ये कहाँ पाए जाते हैं, मृत रूप में मृतोजीवी भी हो सकते हैं, और ये कहाँ पर भूमि में मिट्टी में सॉयल में भी पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या होते हैं, क्योंकि ये परजीवी है, आप सभी को मैंने बताया था कि इनमें जो ये फंगी होते हैं इनमें क्या होता है, हरित द्रवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और इसी भोजन की तलाश में ये क्या होते हैं, दूसरे पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण के फलस्वरूप ये अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं। वो इसी क्रिया के लिए उन्हें आक्रमण करना एवं दूसरे पर वास करना ये बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हमने आपको बताया था मृतोपजीवी परजीवी सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। तथा ये भूमि में होते हैं तो आसानी से ये क्या करते हैं, किसी अन्य पौधे पर, किसके माध्यम से, हाइफा के माध्यम से किसी अन्य पौधे के अंदर ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उसके अंतरकोश की अवकाशों के माध्यम से, स्टोमेटा रंध्र के माध्यम से, एवं क्या करते हैं उसकी एपिडर्मिस सेल्स के माध्यम से, कोशिकाओं में छिद्र के माध्यम से ये अंदर इजीली प्रवेश कर जाते हैं, और किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करेंगे, ये या तो इनमें चूसकांग होते हैं या फिर कुछ सेल्स होते हैं जिनके माध्यम से ये उसमें प्रवेश कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जब ये किसी अन्य प्लांट से या पौधे से परजीवी के रूप में अपना भोजन पोषक से ग्रहण करते हैं, तो इनके जो जिस पोषक में ये वास करते हैं या उसमें अपनी सेल को निवास कराते हैं, वहां से उस सेल से पोषण लेने पर वो जो सेल होती है पोषक की, वो क्या होती है, धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है, उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, उसकी कोशिका नष्ट होकर धीरे धीरे क्या होती है, डिजनरेट होने पर वह मृत हो जाती है, उस सेल पौधा मुरझाकर झुलसकर नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो इसकी जो माइसीलियम है ये जाल रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है, ये देखिए एक आपको जाल रूपी स्ट्रक्चर दिख रही है, आनजीवी के इसकी हम ब्रांच भी कह सकते हैं, इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते, देखिए आपको बीच बीच में खंड तो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर ये एसेप्टेट होते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया कि दो टाइप के हो सकते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। तो जो हम पीथियम पढ़ रहे हैं कैसा है, एसेप्टेट है, इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, और इनका कोशिका द्रव्य केंद्रक ये सभी चीजें पाइपेट से क्या होते हैं, पूरे सेल में पूरी माइक्रोबियम में हम भिन्नित रहते हैं। जब इसमें हम रिप्रोडक्शन के वास्ते कुछ जातियां होती हैं, जैसे देवयानम एवं जो मोनेस को एनम, ठीक है, पर एनम के रूप में ही पाया जाता है, और जब ये कुछ रूप में ये आक्रमण करता है पौधों पर, जैसे कि टोबैको पर आक्रमण करने से आदिकतम माही रोग को ये प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कोयोसाइटिक माइसीलियम, जाल के रूप में संरचना होती है इसलिए उसको माइसीलियम कहते हैं। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर ऑफ आपका पीथियम, किस प्रकार से इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन मैंने बताया हुआ है, इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल, जिसमें से आज हम सिर्फ एसेक्सुअल पढ़ेंगे, सेक्सुअल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है आपका जूस्पोर्स के माध्यम से, और सभी लोग आप जानते हैं, मैंने कई वीडियो में कई में बताया हुआ है, जूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक,
तो क्या होता है, जो हाइफा होता है, जो तंतु है हमारा हाइफा है, सोमेटिक हाइफा की कोई एक सेल, ऊपर टिप की सेल क्या होती है, मुद्राकार फूलकर एक सोलो फूला हुआ भाग बन जाता है और उसमें जीवद्रव में देखिए सारा जीवद्रव यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और ये कैसे फूला हुआ भाग बना लेती है। ठीक, धीरे धीरे सारे केंद्र यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर एक देखिए टिप पर यहाँ पर एक धीरे धीरे क्या होगा, सेप्टा का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर एक सेप्टा बन जाती है और सारे केंद्र यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। ये सभी न्यूक्लियोटाइड यूरी न्यूक्लियोटाइड होते हैं और फूलने के पश्चात इसमें ऊपर की ओर एक चोंच बीक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैपिला कहते हैं। क्या कहेंगे, पैपिला कहते हैं। और जब ये क्या होती है, ये मैच्योर हो जाते हैं, जो स्पोर्ट बनने के बाद स्पोरेंजियम में जो स्पोर्ट बनते हैं, मैच्योर होने पर जो पैपिला वाला भाग होता है यहाँ से भित्ति फट जाती है और जो स्पोर्ट भित्ति के माध्यम से देखिए एक वेसिकल के माध्यम से होते हुए बाहर निकल आते हैं। वो धीरे धीरे जो वेसिकल होती है वो क्या होती है, डिजनरेट होने लगती है, झिल्ली के रूप में पतली संरचना होती है, डिजनरेट होकर नष्ट हो जाती है। और जो जू स्पोर्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनि न्यूक्लियोटाइड एक केंद्र के होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं। देखिए ये बनाया हुआ है मैंने जू स्पोर्ट्स, ये देखिए स्वतंत्र रूप से बाहर निकल आते हैं ये, और कुछ समय तक रहते हैं और भूमि पर डरे रहते हैं और कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, यूनि न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और अब क्या होता है, इनके जो फ्लैजला होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ फ्लैजला नहीं है, मैंने हटा दिया क्योंकि ये अब कैसे हो जाएंगे, राउंड शेप गोल आकार के हो जाते हैं और फिर कुछ समय के पश्चात क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे अंकुरित होने के लिए। इसमें एक अंकुरण नलिका का निर्माण होता है, देखिए ये भित्ति को फाड़ती है अंकुरण नलिका निकलती है जिसमें अंकुरण होता है और ये क्या होती है, अंकुरण करके हाइफा तंतु नए माइसीलियम तंतु फिलामेंट का निर्माण करती है। इसी प्रकार ये क्योंकि भूमि में ही अंकुरण हो रहा है, भूमि पर डरा था और भूमि में ही एक हाइफा बना लेगी और इसी प्रकार फिर से वह भोजन के लिए दूसरे हाइफा दूसरे प्लांट पर परजीवी मृतजीवी की भांति उसमें प्रवेश करेगी। इसी प्रकार से वह अपना जीवन चक्र पूर्ण करती रहती है। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है आपका, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। किसमें, पीथियम में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।